Sri Hussain Dalvai. Thank you, sir. मेरे ध्यान में एक बात नहीं आई कि स्टैंडिंग कमेटी ने जो सजेशंस किए थे उसके ऊपर ध्यान न देने का क्या कारण है, ये पहली बात। इसका कहाँ न कहाँ हम लोगों को उसकी मालूमात होना बहुत ज़रूरी ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात ऐसी है कि हाँ, नीति आयोग ने भी ये बात कही थी, उन्होंने ड्राफ्ट भी दिया था, वो भी आप बिल्कुल बाजू रखें। दूसरी बात ऐसी है कि कैबिनेट ने भी कुछ सुझाव दिए थे, सजेशन दिए थे, और वैसी प्रेस नोट भी आई थी, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट का सुझाव दिया हुआ है। आप वो करने वाले हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर ये सारा मामला है तो मुझे ऐसा लगता है ये आप सिलेक्ट कमेटी के दोनों बिल देंगे तो और अच्छा होगा, और इसके ऊपर विचार होना बहुत ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है। महोदय, ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, तब स्टैंडिंग कमेटी के तरफ ये भेजा गया था। कैबिनेट ने कुछ अमेंडमेंट के सुझाव दिए थे, उसका क्या हुआ उसकी मालूमात नहीं। एक तो मेडिकल प्लुरालिज्म की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरह बिल में इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस के बारे में संदेह निर्माण हो रहा है। और मैं जहाँ से आता हूँ महाराष्ट्र में, होम्योपैथी के 80,000 डॉक्टर्स हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तो उनको इंटीग्रेटेड इसमें जो डालना चाहिए वो डाला गया नहीं। आप यहाँ ये नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र में इसका क्या होगा? तो 52 का आपको होम्योपैथी के बारे में जो बिल है वो 52 आर्टिकल है, उसमें अमेंडमेंट करके उसमें ये इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ऐसा मुझे लगता है। ये मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तो नीति आयोग ने आपको ये कहा है कि इसका कंसिडरेशन करने की नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में जो ड्राफ्ट किया गया था उस वक्त ये कहा गया था, फरवरी 2017 का ये ड्राफ्ट था, उन्होंने ये कहा था कि योगा नेचुरोपैथी रेगुलेशन विथ सेपरेट बोर्ड फॉर योगा नेचुरोपैथी। तो सेपरेट बोर्ड की बात उन्होंने की है, वो इसमें कहाँ भी आता नहीं। क्यों आता नहीं? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री की बात बार बार की गई और प्रधानमंत्री ने बड़ा इसके होम्योपैथी अपना योगा के लिए बड़े पैमाने पे बात कही है और योगा पूरे दुनिया में गया है। ये मैं नहीं मानता क्योंकि दुनिया में पहले ही योगा गया था, लेकिन अब उसके एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी की और अच्छी बात है, योगा से बहुत फायदा होता है नो डाउट। लेकिन इसके मेरा हो गया, मैं चालू किया हूँ अभी, जरा रुकिए, अभी से योगा चालू किया हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से ये आप इसको क्यों टाल रहे हैं ये मालूम नहीं बैठता। दूसरा, इसके बारे में आयुष के बारे में, योगा के नेचुरोपैथी के बारे में कई लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, उसकी आप दखल भी नहीं लिए हैं, ये ठीक बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। चौथी बात ऐसी है कि आप सेंट्रल रेगुलेशन विद स्टैचुटरी कवर मींस क्वैक डॉक्टर जो होते हैं, आप स्टैचुटरी इसमें अगर नहीं लाएंगे तो क्वैक डॉक्टर बनते हैं। मैं ये करता हूँ, जिसको बच्चे नहीं होते उसको बच्चे कैसे होंगे मैं देखता हूँ, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है। और हम जब उत्तर भारत में घूमते हैं तो हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ होता है, आपको ये होता है बाबाश्री होगी तो ये करो ये करो हमें मिलो, ये जो है ये ख़त्म होना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से रेगुलेशन उसका होना बहुत ज़रूरी है। योगा और
naturopathy have been an integral component of Indian system of medicine since 1970 at the union government and in several states. Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, earlier under Ministry of Health and Family Welfare and now under your ministry, Ayush Ministry, has been existence since 1979. अभी की बात है, ऐसा मत समझिए. जो जो जाहिरात की जाती है, ये देश 2014 से चालू हुआ ऐसा लगता है. 2014 में हमने ब्रिटिशों को यहाँ से निकाला और ब्रिटिशों ने इनके हाथ में दिया. जो ब्रिटिशों के बारे में हमेशा अच्छा बोलते थे, इसलिए इनके हाथ में दिया और ये सब कर रहे हैं. ये जो है, ये जरा अभी बंद करिए, ये पहले से हो रहा है. मैं कुछ सजेशन करूँगा, कहाँ ना कहाँ इसके बारे में आप ये चलिए. दूसरा ऐसा है, इसका बोर्ड बनाइए, नेचुरोपैथी और योगा, और उसके साथ क्या हो अपने और एक पैथी पैथी है जो गौतम, नहीं 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 गौतम बुद्ध ने जो लाया था. ठीक है ठीक है, अभी सिद्धा. तो इसके बारे में, इसमें आप बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है. आप मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में जाने दो, उसकी चर्चा होने दो. हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं, हम कोई इसको विरोध करने का सवाल नहीं. लेकिन एक जो बात बार बार इन्होंने कही, वो सबसे महत्व की बात है. ये सारी बातों में रिसर्च होना बहुत जरूरी है. रिसर्च नहीं तो बिल्कुल ये ऐसा ये मूत्र वो मूत्र इस्तेमाल करो और ये करो, उससे गैर फायदा भी लोग उठाते रहते हैं. ये मत करो, अगर उसमें से कुछ अच्छा है तो जरूर ले लो, मैं उसको विरोध नहीं करूंगा. लेकिन बिना रिसर्च ये करना बिल्कुल गलत है ऐसा मुझे लगता है. और बिना रिसर्च जो प्रचार जो चालू है आजकल, हर आदमी में मुझे व्हाट्सएप में आता है, ये इसके पीछे गाय के पीछे लोग दौड़ते रहते हैं, ये गलत बात है ऐसा मुझे लगता है. ये प्रचार करिए कि ऐसा मत करो. कोरोना के बारे में भी ये बोला जाता है कि ये करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, ये करेंगे वो कोरोना नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत बात है ऐसा मुझे लगता है. लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे समाज से पहले से ही चालू है. एक तो आयुर्वेद के बारे में मैं कहूंगा कि उसमें बहुत तथ्य है, बड़े पैमाने पर कुछ बातें इसमें एलोपैथी में नहीं मिलती, वो आयुर्वेद के जरिए होती है, ये मेरा तजुर्बा है. होम्योपैथी के बारे में भी आप 52 आर्टिकल जो है उसमें इंटीग्रेशन की बात रखी है, मैं वो आपको अमेंडमेंट दिया हूँ, वो करिए और फिर बिल पास करिए, नहीं तो ये सिलेक्ट कमिटी के पास भेजिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है. धन्यवाद. डॉक्टर विकास महात्मे.